नाफरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान इकबाल और आप देख रहे हैं बिजनेस न्यूज डेली। नाफरीन, हमने आज एक्विटी फॉरेक्स एंड कमोडिटी की मार्केट्स को देखना है। पिछला हफ्ता ईद हॉलीडेज की वजह से हम डिस्कस नहीं कर सके, मगर मार्केट के अंदर बहुत सी तब्दीलियां आ गई। अगर हम गौर करें तो मार्केट्स के अंदर तब्दीलियां नेगेटिव आई हैं, तो हम देखेंगे इन तमाम मार्केट्स को सेगमेंट वाइज देखेंगे। तो अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट में हम सबसे पहले एसपी 100 इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं। आज तो बस ब्लड बाथ नजर आ रहा है, ना जाने आज क्या हुआ ऐसा कि तमाम के तमाम स्टॉक्स नेगेटिव ही नजर आ रहे हैं। मार्केट तकरीबन 400 पॉइंट्स के करीब जो है वो नेगेटिव है, हालांकि मार्केट ने आगाज पॉजिटिव किया और 47,800 के लेवल्स को क्रॉस कर गई, लेकिन दोबारा उसके अंदर रिडेम्पशन देखी गई। और हम ये देख रहे हैं कि जब रिट्रीट हुई तो वो पोजीशन बहुत ही बुरी पोजीशन थी, 47,240 के लेवल्स पे पहुंची। मार्केट ने क्रॉस तकरीबन 47,300 प्लस पे किया, विच इज बेटर, बट कल की तरह फ्लैट नहीं है। मार्केट के अंदर डिप देखा गया। अगर हम शेप को देखें तो शेप आपको नजर आएगी कि पहले मार्केट ऊपर जाती है, फिर मार्केट नीचे आती है, मार्केट मुस्तहकम नजर आती है और मार्केट क्लोजिंग से पहले दोबारा नेगेटिव होती है और कोशिश करती है दोबारा उठने की, यानी कि 241 के पॉइंट्स तक पहुंची, फिर दोबारा से उठी और 300 पॉइंट्स को उसने क्रॉस किया। मार्केट के अंदर ये जो बिहेवियर है ये एबनॉर्मल नहीं है, इट इज नॉर्मल, क्योंकि हाफ ईयरली क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस होने 15 से 20% जो कि ऐसी 100 इंडेक्स की जो कॉरपोरेशन हैं उनके जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस होने के लिए जा रहे हैं। आपको बहुत सी बोर्ड मीटिंग्स नजर आ रही जो कि बाय द एंड ऑफ अगस्त तक आपको नजर आ रही हैं। यहां पर कंसर्न क्या है इन्वेस्टर का? कंसर्न ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो अर्निंग सीजन है इसमें अर्निंग ग्रोथ जो है उसके प्रॉस्पेक्ट कम नजर आ रहे हैं। ये अच्छा इशारिया नहीं है। अगर हम गौर करें, हम छुट्टियों पे जाने से पहले हम मार्केट को डिस्कस कर रहे थे और हम ये कह रहे थे कि जिस तरीके के साथ पाकिस्तान ने जीडीपी ग्रोथ देखी, पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट्स ग्रोथ देखी, टेक्सटाइल सेक्टर, ऑटो सेक्टर, पावर सेक्टर, शायद कोई ऐसा सेक्टर बचाओ जिसने ग्रोथ ना दिखाई हो। डाइवर्सिफाइड आपको नजर आई, इकोनॉमी के अंदर मिक्स नजर आए, जबरदस्त इकोनॉमी नजर आई, कॉरपोरेशन परफॉर्म करती हुई नजर आई, टेलीकॉम ने अच्छा परफॉर्म किया, आपकी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं डिस्को वुडन ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन देखना यह है कि इस वक्त जो अर्निंग सीजन के दौरान प्रॉस्पेक्ट है वो नेगेटिव क्यों नजर आ रहा है? उसकी बेसिक वजह यह नजर आ रही है क्योंकि पाक रुपी और यूएस डॉलर की जो पैरिटी उसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस नजर आई है, और उसके अलावा इन्फ्लेशन के जो नंबर्स बढ़े, बहुत से जो अगर हम गौर करें हमारी जो स्टेपल स्टॉक्स हैं या फिर हम कह लें ड्यूरेबल गुड्स जो हैं उनकी प्राइसेस में ऐसा इजाफा नहीं देखा गया। अभी तो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट उन पे आना बाकी है। इसका मतलब यह है कि उनमें प्रॉफिट ग्रोथ देखी जा सकती है, लेकिन परसेंटेज पॉइंट्स अगर हम गौर करें तो पहले के मुकाबले में शायद कम हो, यह कंफर्म हो सकता है। बहरहाल बहुत से रिजल्ट अनाउंस होने के लिए जा रहे हैं और अगला हफ्ता बहुत ही जबरदस्त है। इंशाल्लाह रोजाना हम केएफसी 100 इंडेक्स को ट्रैक भी करेंगे। नवीन, अब हम चलते हैं ये देखने के लिए कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि परफॉर्म कर सकते हैं, जिनके रिजल्ट्स पॉजिटिव आ सकते हैं। ये मेरी हम्बल ओपिनियन है, पावर सेक्टर नेगेटिव नजर आ सकता है क्योंकि आईपीपीस को पेमेंट्स नहीं मिली हुकूमत की तरफ से, लोड शेडिंग हुई है, नेप्रा के मुताबिक जो बिजली की कीमत बढ़नी थी उतनी बढ़ी नहीं है, यानी कि खिचड़ी पकी हुई है, तो पावर सेक्टर तो हो गया। टेक्सटाइल सेक्टर इंप्रूव कर सकता है, हमें देखना होगा। शुगर इंडस्ट्री, उसके बहुत सी बोर्ड मीटिंग्स हैं, बुक क्लोजर्स अभी भी चल रही हैं, बैंक्स हैं उनकी आनी हाफ ईयरली रिजल्ट्स, बैंक्स की कैसी अर्निंग्स होगी? आई एक्सपेक्ट कि बैंक्स की अर्निंग बेहतर होंगी। शुगर इंडस्ट्री मिक्स नजर आ सकती है, उसकी वजह यह है कि इन्फ्लेशन की वजह से जो कीमत चीनी की बढ़नी चाहिए थी मार्केट के अंदर उतनी बड़ी नहीं है, तो हो सकता है कि प्रॉफिट्स या अर्निंग्स कम हो, लेकिन अर्निंग्स नजर आएंगे इंशाल्लाह।
ऑटो सेक्टर की बात करें इंप्रूव कर सकता है क्योंकि सेल्स में इजाफा हो रहा है, लेकिन ऑटो सेक्टर के अंदर असल में देखना होगा कि गाड़ियों की कीमतें एफएच उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए, क्योंकि दुनिया के अंदर स्टील और आयरन की जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन डबल फोल्ड हुई है पिछले 6 से 7 महीने के दौरान। अच्छा नाफरीन, ये तो वो फैक्टर्स होंगे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके अलावा बहुत से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन हमें मिक्स अर्निंग्स नजर आएंगी। हम अगर गौर करें, फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो बेच के जा रहा है, वो नेट सेलर नजर आ रहा है, और लोकल इन्वेस्टर्स एंड लोकल कॉरपोरेशंस उनके स्टॉक्स को ले रहे हैं, ये एक अच्छी चीज है। लेकिन लेट्स सी कि हमारे जो लोकल इन्वेस्टर्स कब तक सपोर्ट करते हैं मार्केट को, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल। इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स में अगर हम गौर करें तो चाइना कल भी नेगेटिव था, आज भी नेगेटिव है। उसका इंपैक्ट कल पूरी दुनिया ने देखा, आज उसका इंपैक्ट सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया ने देखा। इसका मतलब है कि उसका जो अफेक्ट है वो कम हो रहा है। असल में हुआ ये कि मीडिया की तरफ से वहां पे बताया गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो कर्व होने के लिए जा रहे हैं टैक्स स्टॉक्स के लिए, टैक्स कॉरपोरेशंस के लिए, वो इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन उनको कर्व नजर आ रहे हैं। मार्केट के अंदर हमें मिला जुला रुझान नजर आ रहा है। हम ये देख रहे हैं इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो शेकी है। उधर नैसडेक की अगर हम बात करें उसका कुछ इंपैक्ट नजर आ रहा है, क्योंकि चार बड़े जो टैक जायंट्स हैं वो अपने जो अर्निंग्स हैं वो आज और कल में अनाउंस करने के लिए जा रहे हैं। तो दुनिया के अंदर खासतौर पर चाइना के अंदर भी वेट एंड सी मोड है, लेकिन चाइना की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो कर्व है उसका अंदेशा है। डेल्टा वेरियंट भी जो है उसका भी अंदेशा, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है वो एफएच आ नहीं रहे, शिपिंग इंडस्ट्री फंसी हुई है, फिर से चाइना के जो एक्सपोर्ट्स है उसमें वो ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। बहरहाल शंघाई इंडेक्स जो है वो नेगेटिव रहा और उसका इंपैक्ट कल हमें हांगकांग में भी नजर आया था, लेकिन आज हांगकांग पॉजिटिव है। ताइवान उस पर इंपैक्ट नजर आया। साउथ ईस्ट एशिया की अक्सर स्टॉक मार्केट नेगेटिव है, और ये नेगेटिव कब तक रहती है, मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि वीकेंड तक ये बादल छट जाएंगे और मार्केट के अंदर जो अनसर्टेन पोजीशन है वो सर्टेनिटी की तरफ आएगी, और मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जीसीसी की तरफ देखते हैं, तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से और फाइनेंशियल सेक्टर जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दुबई की और सऊदी अरेबिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अगर हम बात करें दुबई में तो आपको इमार के जो स्टॉक्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। ना फिर अगर हम यूरोप को ब्रीफली डिस्कस करते हैं, क्योंकि यूरोप कल फुरखांदी उधर भी देखी गई, आज फुरखांदी नहीं है। अभी तक प्रोग्राम को रिकॉर्ड करते वक्त यूरोप की जो स्टॉक मार्केट है पॉजिटिव है, अर्निंग जो है वो बेहतर एक्सपेक्ट की जा रही है, खासतौर पर बैंक्स की जो अर्निंग्स है, लेकिन यहां पर भी वेट एंड सी मोड है, क्योंकि यूएस फेड रिजर्व जो है उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग है वो अभी तक जारी है और आज भी वो जारी रहेगी। उसका क्या रिजल्ट आता है, उसकी स्टेटमेंट क्या आती है, कल हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका इंपैक्ट हमें यूएस के फ्यूचर्स पे नजर आ रहा है। आपको S&P पॉजिटिव नजर आ रही है, लेकिन डाउ जोन्स नेगेटिव नजर आ रही है। इसका मतलब है कि इंडस्ट्रियल साइड पे वही नाफरीन बात हम कर रहे हैं कि जो स्टेपल स्टॉक्स हैं और जो ड्यूरेबल गुड्स हैं उनके जो स्टॉक्स हैं वो आउट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। वजह डिमांड के अंदर कमी है, डेल्टा वेरियंट है, उसका डर है, खौफ है, लोगों के पास पैसा है, खर्च कर रहे हैं लेकिन महंगी चीज़ों पर नहीं कर रहे। यही वजह है कि अमेरिका के अंदर जो सेकेंड हैंड कार्स है उसकी जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है, लेकिन जो न्यू कार्स हैं उनके सेल्स में उसका इजाफा नहीं देखा जा रहा। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, अगर हम गौर करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी आपको ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। अगर हम यूरोप के साथ यूके को भी देखें तो यूके के अंदर रैकेट एंड बैंक जो है उसका जो स्टॉक है उसकी जो अर्निंग्स है वो अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से कल मार्केट गिर गए थे, लेकिन आज बेहतर परफॉर्म कर रही है। लेकिन ये एक अचंभे की बात है कि 6 दिन की जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है कोरोना वायरस की, उसके बाद अवाम ने डिसइंफेक्टेंट को खरीदना बहुत कम कर दिया। शायद डर निकल गया उनके दिलों से, लेकिन असल चीज ये है कि मार्केट जो है वो आपको मिक्स नजर आ रही है। इसी तरह यूएस के जो फ्यूचर है वो हमें मिक्स नजर आ रहे हैं। तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि जब हम कल वापस आएंगे और हम देखेंगे कि आज की क्या पोजीशन है यूरोप और अमेरिका की, तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है मिक्स टू पॉजिटिव नजर आएगी इंशाल्लाह। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नाउ फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट फॉरेक्स की तरफ।
अपनी फॉरेक्स में सबसे पहले हम यूएस डॉलर पाक रुपी की पैरिटी को देख लेते हैं। अगेन पाक रुपी 50 पैसे से ज्यादा डेप्रिशिएट किया, 162 के करीब है, बहुत बुरा लेवल है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी की जो स्टेटमेंट आई है उसके बाद ऐसा नंबर आना, ये एक थोड़ी हैरान कन बात है। लेकिन हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमने इस पर परेशान नहीं होना, ये नंबर इंप्रूव करेगा इंशाल्लाह। उसकी वजह यह है कि अभी इंपोर्ट्स का प्रेशर है, इंपोर्ट्स की जो पेमेंट्स है वो ज़्यादा हैं, इंपोर्ट्स की जो कॉस्ट है यानी कि डॉलर टर्म्स में जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। यही वजह है कि पाक रुपी थोड़ा सा अंडर प्रेशर है। आज पाक रुपी बास्केट ऑफ करेंसीज के अगेंस्ट डेप्रिशिएट किया है। वही बात है, हमारे एक्सपर्ट्स वापस जा रहे हैं, दुनिया की इकोनॉमी खुल रही है, इसी वजह से आपको जो दूसरी करेंसीज हैं वो आउट परफॉर्म करती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें, कल के मुकाबले में बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो पिछले हफ्ते की पोजीशन थी उसकी 93 प्लस था, उससे कम है। लेकिन अगर हम गौर करें, पाउंड स्टर्लिंग जो है वो आज बहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है अगेंस्ट यूएस डॉलर, इट इज 1.38। और अगर हम यूरो की बात करें, स्टेबल नजर आ रहा है 1.18 पे। लेकिन देखना यह कि जो असल कंसर्न है वो है चाइनीज युआन। कल कुछ देर के लिए ये 6.5 को क्रॉस कर गया अगेंस्ट यूएस डॉलर, फिर कम हुआ। इंटरवेंशन देखी जाती है सेंट्रल बैंक की तरफ से और फिर रेट सेट किया जाता है। अब ये तकरीबन 6.49 समथिंग है, बहुत करीब है 6.5 के, लेकिन कल के मुकाबले में बेहतर परफॉर्म कर रहा है। मीडिया के जो आज पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं उन्होंने इन्वेस्टर्स को थोड़ा सूद दिया। फॉरेक्स की जो मार्केट है वो थोड़ी सी काम नजर आई, इस वजह से आज चाइनीज युआन बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। ना फिर अब हम चलते हैं अपने तीसरे सेगमेंट कमोडिटीज की तरफ। ना फिर कमोडिटीज में सबसे पहले हम ऑयल को डिस्कस करते हैं। ऑयल की कीमत में इजाफा नजर आ रहा है। वजह क्या है कि एपीआई का जो नंबर कल आया है वो डेंटिंग है, क्योंकि आपको ड्रॉप नजर आ रहे हैं। एक्सपेक्टेशन थी कि वीकली ड्रॉ तो केवल 3.4 मिलियन बैरल होएगा, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट होता है, 4.3 मिलियन बैरल हो जाता है। और अगर हम गौर करें जुलाई के अंदर तकरीबन 50 मिलियन बैरल जो है उसका ड्रॉ हुआ है, और ये ज्यादा नंबर है। अब देखना यह है कि जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसमें कमी आ रही है, क्या यूएस इंपोर्ट्स की तरफ जाएगा? अगर जाता है, यही वजह है कि आज मार्केट के अंदर जो ऑयल प्राइसेस है उसको सपोर्ट मिला और प्राइसेस जो है वो बढ़ गई। ब्रेंट इफेक्ट 74 प्लस है, जबकि WTI $71 पर बैरल प्लस है। अब हम बात करते हैं नाज़रीन गोल्ड की। हम ये देख रहे हैं कि आज यूरोप की और यूएस की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रही हैं, और चाइना के अंदर भी खासतौर पर जो ट्रेजरी यील्ड्स हैं वो इंप्रूव कर गए। आज यूएस फेड रिजर्व की मीटिंग है, उसके क्या मिनट्स आने, तो वेट एंड सी का मोड है। इन्फ्लेशन का प्रेशर भी अवेलेबल है, मौजूद है, मगर यहां पर देखना यह कि क्या गोल्ड को ये सपोर्ट कर रहा है। आज गोल्ड की कीमत में कमी देखी जा रही है, इसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट की जो इंप्रूवमेंट हमें नजर आई है, इन्वेस्टर्स का जो टिल्ट है वो थोड़ा सा चेंज हुआ, और यही वजह कि गोल्ड की जो आलमी कीमत है वो कम हुई है। सिल्वर सस्टेनेबल है, बहुत बेहतर पोजीशन में, लेकिन मुझे मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि शायद थोड़ा सा नेगेटिव हो जाए कल जब प्रोग्राम को रिकॉर्ड करेंगे। सो नाज़रीन, आज हमने एक्विटी मार्केट्स को देखा, फॉरेक्स एंड कमोडिटी मार्केट्स को भी देखा, और हमने देखा कि आज पाकिस्तान में तो ब्लड बाथ देखा गया, जबकि चाइना का जो ब्लड बाथ है वो कम होता हुआ थमता हुआ नजर आ रहा है, जबकि यूरोप और अमेरिका में तकरीबन खत्म हो गया। गोल्ड जो है और ऑयल है उनकी जो प्राइसेस हैं वो आपको मिक्स टू पॉजिटिव नजर आ रही हैं, जबकि पाक रुपी डेप्रिशिएट होता हुआ नजर आ रहा है। सो बड़ी मिक्स पोजीशन थी आज। हम इसको ट्रैक करेंगे, मॉनिटर करेंगे और आपको इन्फॉर्म भी रखेंगे। नाफिन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इंशाल्लाह कल दोबारा नए फैक्ट्स फिगर्स एंड नंबर्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें और अपने मेहमान एहसान इकबाल को इजाजत दीजिए, एंड कीप वॉचिंग बिजनेस यूज़ रियली विद एहसान इकबाल।